हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले, तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का डूल प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न होने वाला है उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के हम डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, कितने मार्क में पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, और इस बार कौन से IMP थियरी IMP टॉपिक रहने वाले जो हमें हर एक यूनिट के लिए रीड करने चाहिए वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में हम स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक दिन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको रीड करने चाहिए उन सबको लेकर कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब हमारे एग्जाम जो 70 मार्क के साथ होने वाली है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है, जिसमें हमें सीसी के अंदर भी आई थिंक 99% 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहले मार्किंग की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन जो रहेगा टोटल 14 मार्क का पूछा जाने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे टोटल 5 क्वेश्चन बन जाएंगे और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 70 मार्क कवर हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं आप लोग और साथ साथ में स्ट्रेटजी और IMP में आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। यूनिट नंबर 1 में कौन सा टॉपिक है तो हम सब जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। अब इसमें किस तरह से टाइप से 14 मार्क कवर करेगा तो वो पहले बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और 19% ये होगा, एक क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन में दूसरा होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा 14 मार्क का रहने वाला, कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है वो हमारा 14 मार्क कवर कर लेगा, एक का ऑप्शन में एक ही होगा। तो अब इसकी तैयारी कैसे करना है ध्यान से समझिएगा और कौन से IMP टॉपिक निकलने वाले मैं बुक के थ्रू ही आपको समझा देता हूं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट के अंदर जहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है जिसमें टोटल मिला के 9 टॉपिक दिए गए। एग्जाम में आप देख रहे हो हमारे 1 के ऑप्शन 1 दो ही टॉपिक आने वाले, अब 9 में से 2 आएंगे, मतलब थोड़ा ध्यान से समझना है कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा, मैं 100% बोलना चाहूंगा, सबसे पहले एक दिन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बेस पर समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 सबसे पहले पढ़ना और पॉइंट नंबर 4 नाम भी पढ़ लेता हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक पहले पढ़ना है। मुझे लगता है 99% इन दोनों में से एक तो होगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे पहले ये दो इन्वॉल्व करना कंपलसरी, इनमें से कोई एक पूछना कंपलसरी होता है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, पहले ये दो पढ़िएगा जिससे एक कवर हो जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। उसके बाद थोड़ा सेफ होने के लिए अगर टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो मैं बोलना चाहूंगा आपको फीडबैक का जो टाइप है ना वो पढ़ लेना, इतना डिटेल में पढ़िएगा कि जिससे आप 14 मार्क में लिख पाए, इतना याद रखिएगा। और दूसरा जो पढ़ना है हमारा टाइप ऑफ लिसनिंग, आई थिंक यही चार टॉपिक मैंने पिछले 2 साल पहले भी दिए थे, 3 साल पहले भी दिए थे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो हमारा कवर हो ही जाता है, तो 9 में से 4 ही दिए, तो 4 पहले पढ़िएगा जिसमें से खास पहले 3 और 4 पढ़िएगा, उसके बाद नंबर 6 फीडबैक का टॉपिक और फिर नंबर 9 लिसनिंग के टाइप का टॉपिक। इससे आई होप कि भाई एक क्वेश्चन तो आपका 14 का कवर हो जाएगा और ये कम से कम इतना तो आपको पढ़ना चाहिए। गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आपको इंग्लिश में ही लिखना रहता है ये सब्जेक्ट, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया फर्स्ट, और बहुत इजी रहता है 14 मार्क कवर करना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। अब इसके देखेंगे टॉपिक दिया गया ई कम्युनिकेशन, ई मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है वो, तो आपको 14 मार्क कैसे कवर होगा, यहां पर किस टाइप से होगा, यहां पर आपको टोटल मिला के 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे, 4 में से आपको एग्जाम में कोई भी 2 लिखने हैं, ठीक है, तो मतलब समझिए एक होगा 7-7 मार्क का, मतलब इस तरह से समझिए यहां पर शॉर्ट नोट आ गई, क्या समझना आपको शॉर्ट नोट की तरह आपको टॉपिक पूछा गया होगा, डिटेल में आपको लिखना रहेगा। अब इसमें हमारे पास कितने सारे टॉपिक है तो देखिएगा यहाँ पर 7 जितने टॉपिक और एग्जाम में 4 होंगे और 4 में से लिखने 2, तो IMP में बता दूं जो टॉपिक अंदर है उसको डिटेल में पढ़िएगा, इतने अच्छे से चाहे उसका एडवांटेज दिया है चाहे उसकी प्रोसेस दिए कुछ भी दिया अंदर डिटेल में पढ़िएगा। सबसे पहले 2 कौन से पे फोकस करना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 4 ई कॉमर्स पे पहले फोकस करना है, दूसरा ई गवर्नेंस पर, मुझे लगता है इन दोनों में से एक काम हो ही जाएगा, पर आपको हमेशा याद रखना है 3 से 4 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस बार 2 लिखने हैं, इसमें कितने लिखने हैं 2 लिखने हैं। तो दूसरा मैं अगर बोलना चाहूंगा तो आपको ई मीटिंग के अंदर पढ़ लीजिए डिटेल में, और ई बैंकिंग मतलब शॉर्टकट में 4, 5, 6, 7, ऐसा नहीं ऊपर में से होगा नहीं, पर इन 4 में से 3 होने के चांसेस ज्यादातर है और ऊपर में से कोई एक, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसे पूछा जाता है, नीचे में 4 में से कोई भी 3 पूछे जाते हैं और ऊपर में से कोई एक आएगा, तो मेरा पहला तो जब पॉइंट नंबर 4 पढ़िए, पॉइंट नंबर 7 इसमें से एक तो कवर हो जाएगा, फिर 5 और 6 पढ़ लीजिएगा, तो टोटल 4 टॉपिक दिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसमें प्रायोरिटी मैंने बताई आपको कैसे पढ़ना है, अगर कम से कम टाइम है तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो 4 से 5 घंटे में कवर हो जाता है, ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। IMP के साथ में बता रहा हूँ, स्टडीज लास्ट में बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा तैयार करना चाहिए। अब हमारे आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर, ये ध्यान से समझिएगा, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ये हमारा कम्युनिकेशन करना है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए। अब हमारे इसके अंदर कितना टॉपिक है,
तीन टॉपिक है, मैं तीन की बात करूंगा। एक तो हमको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो जो आपने ट्वेल्थ में देखी होगी, ठीक है, अपने इंग्लिश के पेपर में। दूसरा आपका रिज्यूम, दोनों अलग होता है, आपको एक लगता है लेकिन अलग है। तीसरा होता है इंटरव्यू। तो इन तीन टॉपिक में से कोई दो होंगे, एग्जाम में कैसा पूछा जाता है बताना चाहूंगा। मार्किंग 14 कैसे होगा, वन के और में वन, मतलब कोई एक ही आपको अटेंड करना है, आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर। वन के और में वन, जब भी वन के और में वन हो तो थोड़ा ध्यान से लिखना, अच्छे से लिखना है आपको। अब इनमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके बुक के अंदर दिया गया है, फॉर्मेट पहले पढ़ लीजिए, आपका 80-90% काम हो जाएगा पूरा। कोई बात नहीं, एक जैसा फॉर्मेट सब लिखेंगे तो भी मार्क तो मिलने वाले ही है। तो आप देख रहे होंगे ये आपको फॉर्मेट दिया गया, ये फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। और जिसके बारे में भी बोले, जो भी पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है, और बेसिक जैसी पोस्ट आती है हमेशा एक जैसी, ये थोड़ा क्वालिफिकेशन आपको देख लेनी हल्की फुल्की और आपका ये एप्लीकेशन रेडी हो जाए। सबसे पहले इसको रेडी करना है। सेकंड कौन सा रेडी करना है, सेकंड आपको रेडी करना है टिप्स फॉर फेसिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कौन से पॉइंट पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ईजी थियोरिकल टॉपिक है, अगर आपको थियरी ईजिली याद होती तो ये कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक बताएगा जो आपको पहले से पता रहता है, बस इंग्लिश में लिखना है और कोई है नहीं फर्क। ये टिप्स आपको पढ़ लेना है। तो आई होप, मुझे लगता है कि इन दोनों में से आपका एक तो आने वाला ही है और कवर हो ही जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए ये दो टॉपिक को ही आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जो वन आवर में हो ही जाता है, वन आवर में रेडी हो जाएगा, कन्फर्म है। आई होप क्लियर हुआ होगा। मार्किंग भी आप देख रहे होंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन फोर की बात करते हैं, यूनिट नंबर फोर में से आने वाला। पहले क्या हुआ करता था, क्वेश्चन फाइव नहीं हुआ करता था, फाइव का टॉपिक फोर में इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन अब हमें यूनिवर्सिटी के पेपर स्टाइल में टोटल मिला के एक से लेकर पांच क्वेश्चन बताया गया, इसलिए मैं पांच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। बाय चांस अगर फोर क्वेश्चन आया तो नंबर फाइव वाला फोर में इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेमेस्टर थ्री की अभी एग्जाम हुई है जिसमें क्वेश्चन फाइव अलग किया गया था, तो उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ वॉकेबिलिटी टोटल 14 मार्क की रहने वाली, टोटल 14 वॉकेबिलिटी के होने वाले। मार्किंग समझना कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मुझे लगता है 8 और 6 करके होंगे। 8 में क्या होगा, तो जो फिलिंग द ब्लैंक है वो करेक्ट वाला आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जो दो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक आपको करेक्ट शूट करना है, जिसमें जो सेंटेंस में करेक्ट बैठता है वो आपको चूज करना रहेगा। दूसरा मैचअप करना रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, दोनों समझाता हूँ। मार्किंग 8 और 6 आई होप 90% ऐसी तरह होने वाली, इसकी प्रिपरेशन भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि इस बस आ रहे आपको अटेंड करने, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपके पास होनी जरूरी है। तो देखिएगा वीडियो प्लीज शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए इस टाइप से पूछा जा सकता, टोटल 50 वर्ड होता है, आपको पता है सेमेस्टर वन से स्टार्ट हो रहा है, सेमेस्टर सिक्स तक कॉमर्शियल कम्युनिकेशन होगा, जिसमें वॉकेबिलिटी होने वाली आपका बेसिक क्लियर करने के लिए। जैसे कि ये टीम लिखा और टीम लिखा, दोनों में स्पेलिंग आपको उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन मीनिंग अलग है। वैकेशन और वोकेशन आप पढ़ना आपको बेसिक आ जाएगा, पूछा कैसे जाएगा समझा दो। एक ये तरीका होता है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लिखा है, दो टॉपिक दिया, दोनों में से कौन सा यहाँ पर सूट होता है, तो थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं अनुवाद आना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि प्लीज यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक अवर इन्विटेशन फॉर द सेमिनार, सेमिनार के लिए इन्विटेशन को क्या करना पड़ता है, स्वीकार एक्सेप्ट करना पड़ता है, यहाँ पर ये आएगा एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवा और इसका मतलब होता है स्वीकार, बस दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए, जो इसमें सूट हो वो आपको लिखना है। ये फर्स्ट जो मैंने बोला 8 मार्क का ऐसा आएगा, या तो इसी को इस तरह से पूछ सकता है, ब्लैंक ना देगा इन दोनों में से कौन सा सूट होता है, ठीक है। दूसरा जो मैचअप इस तरह से आएगा, मैचअप में 6 वर्ड हो गए, कितने हो गए 6, एक होगा 1 मार्क का, आपको सिर्फ लिखना है ये जो सूट लिखा इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो 50 वर्ड है, तो कम से कम आप हो सके तो 1 आवर में 30-40 कर सकते हैं, रेडी कर लीजिएगा फटाफट, इससे आपका बेस भी क्लियर होगा इंग्लिश के अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन फाइव नया कैसे क्रिएट होगा, तो ये समझेगा, मुझे जहां तक लगता है 90% इसमें एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यू, और आपको 7 जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होंगे, आई थिंक 7 जितने अटेम्प्ट करने होंगे, और एक के कितने मार्क रहेंगे, 2 मार्क रहेंगे, लेकिन एग्जाम में मुझे लगता है 12 जितने दिए होंगे, कितने दिए होंगे 12। पर याद रखिएगा एक चीज, मैं हमेशा बोलता हूँ 7 आप वो लिखिए जो पहले आपको आता है, नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं आगे पीछे, जो आपको आता है पहले 10 नंबर का तो 10 नंबर का लिखिए, फिर आप 8 नंबर का लिखोगे तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में 7 ही मोस्ट ऑफ चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मार्क देना सिस्टम होता है, इसलिए 7 वो लिखेगा। अब इसकी तैयारी समझेगा, वैसे तो हमें बोला गया यूनिट नंबर 1 और 2 में से आएगा, लेकिन कई बार मैंने देखा गया यूनिट नंबर 3 में से भी आता है, 4 में से भी आता है। तैयारी समझना ध्यान से, ये सबसे मेन है और ये इजी होता है। इसके लिए तैयारी कैसे करना है, पहले तो आपको यूनिट नंबर 1 2 में जो भी एमसीक्यू दिए वो आपको रेडी करनी है। जैसे यहाँ पे जो दिया गया ना एमसीक्यू, आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, बुक के थ्रू समझा रहा हूँ, भले वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन एंड तक देखना आपको क्लियर रहेगा। और थोड़ा स्ट्रेटेजी में बताना चाहूंगा, ये जो दिए यूनिट नंबर 1 ये एमसीक्यू पढ़ना है, और वैसे आप टॉपिक पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको माइंड क्लियर होगा, क्योंकि टॉपिक में से एमसीक्यू बना के पूछे जाते हैं इसके लिए। और फिर बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 2 के अंदर, तो 2 के अंदर भी ये दिए गए, ये पढ़ना है, और यूनिट नंबर 3 के अंदर भी दिए, यूनिट नंबर 3 के अंदर भी दिए वो भी पढ़ लेना है आपको, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर एक बार मैं दिखाना चाहूंगा,
तो यहां पर ये देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर ये भी पढ़ लेना ठीक है यहां पर, जिससे और थोड़ा आपको क्लियर होगा, इसमें से भी एक दो निकल जाता है। और यूनिट नंबर 4 में से ऐसा बोलेंगे आता नहीं है, सही बात नहीं आता, पर आ भी जाता है जो आपने मीनिंग याद किया ना उसमें से कोई मीनिंग ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जैसे आपके सामने यहां पर देख लीजिए ये ATM करके लिखा गया, ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है ठीक है, और ई गवर्नेंस यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है। तो यहां पर भी एस्टर यहां पर देख रहे होंगे CV यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, यहां पर देखिए ये एलिजिबल यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, वोकेबल इनका, तो जो नहीं 1-2 में से आएगा। तो आपको जितना हो सके उतना बेस्ट तैयारी कर लेना है। इसी तरह 10 होंगे आपको 7 लिखने रहेंगे। आई होप आपको ये 5 नंबर भी क्लियर हो चुका होगा, इस तरह से टोटल हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब स्टडी समझा दो, लास्ट दिन तैयारी करो, तो सबसे पहले किस पे आना है, तो सबसे पहले भाई ये 3 पे आ जाइए, बहुत ही बेसिक 1 आवर में आप रेडी करोगे और जॉब एप्लीकेशन गारंटीड आएगा। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो बस में हो तो जॉब एप्लीकेशन पहले फटाफट डिक्लो आपका काम हो जाएगा। सेकेंडरी आपको थोड़ा थियोरिकल टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ पे आ जाओ ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। और फिर आपको यहां पर इसमें से किसी 2 पर शॉर्ट नोट लिखनी है वो रेडी कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से टाइम मिले उसके हिसाब से रेडी कर सकते हो। पहले यूनिट नंबर 3 पे चले जाना है, ये रेडी हो उसके हिसाब से अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। आई होप मैंने सबको लेकर डिटेल में डिस्कशन कर लिया, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और बोलना चाहूंगा सबसे पहले एंड में बोला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमारे चैनल की अब विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सेमेस्टर के सारे मटेरियल मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएगा, और हो सके तो कोर्स में एनरोल हो जाइएगा, जिससे आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहां पे इसकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, टाइम टेबल या और कुछ भी, वो अपडेट किया जाता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।